Chad. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं हूँ लियाकत अली और इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में। टमाटर की नीलामी हो चुकी है और आज 18 जनवरी के लिए नीलामी हुई है, यानी 17 को नीलामी हो जाती है 18 जनवरी के लिए। तो 18 जनवरी 2023 के लिए आपको अपडेट पहुंचाते हैं, लिहाजा प्लीज़ आप मेहरबानी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपडेट को शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार में रहते हैं, कम से कम अपने टाइम लाइन पर तो एक बार शेयर कीजिए। यार मैं इस वक्त सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में 12-1 बजे मौजूद हूँ और आप तक अपडेट पहुँचा रहा हूँ। बताता चले आपको, आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 48 के लगभग गाड़ियाँ थी, कराची बदीन और अठट्ठे की 48 गाड़ियाँ मौजूद थी। और किस तरह फ़रोख्त हुए यही आपके साथ शेयर करेंगे। तो रेट हम ऐसे देंगे कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये है कि टॉप क्लास के और रेट के बिकते हैं, थोड़े कमज़ोर और रेट के और उससे ज़्यादा कमज़ोर और रेट के। आज तकरीबन आपको ये बताएं कि आज ठट्टा के टमाटर बेहतरीन तकरीबन 550 से लेकर 600 रुपए के लगभग फ़रोख्त हुए सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में, 550 से लेकर 600 रुपए तक, यानी 550, 560, 570, 580 और कोई टॉप क्लास बिल्कुल A1 अच्छे वजन के साथ 600 तक भी गया हो है। बाकी आम रेट 550 से लेकर 570, 580 रुपए तक फ़रोख्त हुआ है ठट्टा। तो भाइयों ये है बदीन के टमाटर 14 किलो 13 14 15 किलो के लगभग इसमें आते हैं और ये आज तकरीबन 480 से लेकर 500 510 20 तक गया है, 480 90 500 तक आम रेट चला है। टॉप अच्छे टमाटर तकरीबन 520 के भी गए हैं और हो सकता हो कोई इक्का दुक्का इससे भी ऊपर गया हो। यही हम बार बार इसलिए बोलते हैं, कोई कोई टॉप क्लास की गाड़ी आती है मशहूर तो वो महंगी हो जाती है, जैसे ठट्टा आम चला है 550 से लेकर 560 70 80, लेकिन कोई इक्का दुक्का गाड़ी, शायद एक गाड़ी हो, शायद चंद लाड हो टॉप क्लास के ज़बरदस्त वजन के साथ, वो 600 तक भी गया है। तो अच्छा, ये बदीन के टमाटर, ये है कराची के टमाटर, एक टूटे से बारदाने में आता है, जैसे बदीन और ठट्टा VIP बारदाने में आते हैं उसके मुकाबले में ये कराची है जो मिक्स बारदाने में आता है। और छोटी पेटी और बड़ी पेटी मैक्सिमम मिनिमम फ़रोख्त हुआ है आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में, तकरीबन 400 से लेकर 450 के लगभग आम मार्केट चला है, 400 से लेकर 450 तक। इसके अलावा इसमें बड़ी पेटी आती है काफ़ी वजन के साथ, वो 500 तक भी गई है, 520-30 का भी गया है और मैंने सुना है कि 600 की भी इसमें चंद लाट गए हैं उस मंडी में। ये इस मंडी और उस मंडी के मिक्स रेट है। और ये यानी एक गाड़ी ऐसी भी कराची में आती है जिसमें तकरीबन 18 किलो वज़न के साथ टमाटर आते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर उसने महंगा बिकना होता है तकरीबन 600 रुपये की, लेकिन आम रेट जो इसका चला है 450 और 470-480 के लगभग ये फ़रोख्त हुई है कराची के टमाटर। तो ये चंद मालूमात थी जो हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की है, इंशाल्लाह उम्मीद है इससे आपको काफ़ी यानी मालूमात मिली होंगी। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जब मुझे तो पता चले कि भाई मेरी वीडियो लोग पसंद करते हैं, आप शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा, आप लाइक करेंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि भाई मैं रात को 12-1 बजे शदीद सर्दी में फिर रहा हूँ और वीडियो दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो पसंद भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ साथ बताता चलूँ, सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद और बाकी पाकिस्तान के बर की सारी मंडियों के रोल की तरह यहाँ भी अगर रात को आप सौदा लेते तो उस पर सब्ज़ी मंडी के टैक्सेस लागू होते हैं, जिसको कमीशन वगैरह भी बोलते हैं और इसमें हुकूमती टैक्स भी शामिल होते हैं, तो वो आपने ज़रूर देना पड़ता है। अगर आप रात को सौदा लेंगे तो वो साथ शामिल होते हैं। इसी तरह अगर आप 1000 की चीज़ लेंगे तो वो 1100 रुपये की पड़ जाती है, 700 की लेंगे तो वो लगभग 750-800 की पड़ जाती है। तो ये बात ज़हन नशीन ज़रूर रखिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर सुबह होते। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।